हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की एग्जामिनेशन आपकी 28 तारीख को है। अब आपके टोटली तो 11 दिन यहाँ पर बचे हैं। अब टोटली 11 दिन के अंदर पढ़ाई की अगर फर्स्ट बात तो ये, दूसरी बात आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं आपको एग्जाम सेंटर्स के ऊपर, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, आप ही का भाई, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में टेलीग्राम चैनल पर पिछले साल के 3 पेपर ऑलरेडी डाल चुका है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा आपको चार्ज नहीं देना है। तो वो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं मात्र टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपका ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2, आपका टेलीग्राम चैनल का नाम हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से जाके आप पूरा का पूरा पेपर, जो ओल्ड पेपर है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ओल्ड पेपर से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपको। बात करता हूँ, अब की बार मान रहा हूँ कि TCS ऑनलाइन पेपर ले रही है, पर TCS को जो डाटा BSF की तरफ से उपलब्ध कराया गया ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनाया जाएगा। ये नहीं है कि आपका यहाँ पर GD लेवल का पेपर बना दिया जाएगा या थोड़ा बहुत हार्ड लेवल का पेपर बना दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जो ये TCS जो डाटा ले रही है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो आपके पेपर अभी ये हैं, जैसे हेड कॉन्स्टेबल के ले लो, वो पेपर भाई पिछले क्वेश्चन से सीधे सीधे 8-8 क्वेश्चन, 9-9 क्वेश्चन आपके कंडक्ट हुए हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यदि 8-9 क्वेश्चन आपके एक साथ पिछले पेपर से आते तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। यदि आप पिछला पेपर, और वो तो यार फ्री दे रहा हूँ, एक पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, एक पैसा, यदि एक पैसा आप बता दो मेरे को, एक पैसा आपसे चार्ज कर रहा हूँ, तो एक पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल आपको फ्री में ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलो चलते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर डिटेल से, देखते भाई कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन से नहीं लेकर जाने हैं। ये मेरे पास एक एडमिट कार्ड है, देखो इसके अंदर क्या लिख रखा है, वो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, आप यदि ये चीज़ नहीं लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है, या फिर आपको जो 2 रुपये की चीज़ है उसके आपको 50 रुपये या 100 रुपये देने पड़ सकते हैं, क्योंकि बेरोजगार को हाई कोर्ट हर कोई लूटने में लगा हुआ है और हर कोई लूट लेता है। दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बेरोजगार भाई किसके पास अपनी पीड़ा सुनाए, किसी के पास नहीं सुन सकता। तो दोस्तों, मैं बता दूँ आपको, आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी, वो भी रंगीन, जो आपको यहाँ पर कलर फोटोग्राफर वो लेकर जानी है, ठीक है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको, जो आपकी आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है, जिसके अंदर आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, सॉरी क्या, डेट ऑफ बर्थ का ये वोटर आईडी हो सकती है, पर इन वोटर आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन होनी चाहिए। पैन कार्ड में आपका पता नहीं होता, तो पैन कार्ड आपका अलाउड करे या नहीं करे, क्योंकि ITOB में अलाउड नहीं किए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पैन कार्ड को अलाउड नहीं भी कर सकते। आपको आधार कार्ड आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास आईडी होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पर दोस्तों जो आपका पैन कार्ड है वो लेकर जा सकते हो, पासवर्ड आप लेकर जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस आप लेकर जा सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। 2 आपको यहाँ पर दे रखा है, 2 कलर पेज, 1 पेज ऑफ द प्रिंटेड एडमिट कार्ड, यहाँ पर बोल रखा है 2, आपको जो 1 नंबर का पेज है ना, इसका आपको कलर प्रिंट लेकर जाने, 2 कितने, 2 कलर प्रिंट इसके लेकर जाने, ये चीज़ आप जाने, 2 कलर प्रिंट आपको लेकर जाने। ट्रांसपोर्ट बाल, उससे पहले बात कर लेते हैं, BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ रही है, वो आ रही है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसमें आप बता दो दोस्तों, यहाँ पर BSF का न्यू सिलेबस के आधार पर जो आपका यहाँ पर निर्धारित गया है, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया। दोस्तों, इसमें आप बताओ 2450 भवी क्लब पर्सन और 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं। ये बुक आप डिस्क्रिप्शन में परचेजिंग का लिंक दिया गया, इस बुक को आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं और आपकी सफलता में रामबाण साबित हो सकती है ये बुक, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ दिया गया है। इसके साथ इस बुक में आप स्टडी गाइड और अप्रेंटिस सेट दोनों ले सकते हो, दोनों का आपको कोमो मिल जाएगा, तो दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, इसको आप खरीद सकते हो। जिसके स्टडी गाइड में आपको 250 भवी क्लबी पर्सन साथ में आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है, और इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको अलग से बुक परचेज करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर बोल रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन ब्लू पेन आपको यहाँ पर लेकर जाना है, जो आपके यहाँ पर 2 रुपये या 3 रुपये वाला जो पेन आता है ना, वो लेकर जाना, जिसके आर पर आपको दिखाई दे। यहाँ पर आगे देखो क्या लिख रखा है, किसी भी परिस्थिति में आपका समय या परीक्षा के अंदर परिवर्तन विचार नहीं किया जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको ई प्रवेश पत्र आपको लाना आवश्यक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो स्पष्ट रूप से आपको मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं लेकर जाना, जो मैं आपको शॉर्ट है यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं जानता हूँ, और टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
परीक्षार्थी ई प्रवेश पत्र उल्लेखित रिपोर्टिंग समय से आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है 1 से 1.5 घंटे पहले, ताकि प्रवेश पत्र संबंधित औपचारिकता को सहज पूरा की सके। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा समय शुरू होने से आधा घंटे पूर्व बंद कर दिया जाएगा। देरी से आने पर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान, देरी से आने पर कोई अनुमति जाएगी। कम से कम 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र की स्थिति और आप उसी तरीके से पहुँचने की संबंधित जानकारी प्राप्त करें ताकि परीक्षा केंद्र पर हम समय पर पहुँच पाएँ, ठीक है। यदि किसी तकनीकी कारण से अन्य किसी परीक्षा निर्धारित समय से शुरू नहीं होती तो या बीच में बाधित होती है तो अभ्यर्थी परीक्षा विद्यार्थियों को निर्देशों का पालन करना चाहिए। समस्या का समाधान होने पर धैर्यपूर्वक परीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि परीक्षा पूरी नहीं होती तो विभाग उक्त मामले की उचित कार्रवाई करने का निर्णय लेगा और निर्णय अंतिम होगा, अभ्यर्थी के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है। ये बात आगे देखो, ये चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये बोल रखा आगे, तो अभ्यर्थी की पंजीकृत आपको यहाँ पर बोल रखा है ऑनलाइन पोर्टल लॉगिन सभी पदों के लिए परीक्षा 3 से 4 दिन के बाद व्यक्तिगत ऑनलाइन प्रक्रिया स्वयं के जवाब कुंजी देख सकते हो। किसी भी प्रकार के प्रश्न संबंधित आपत्ति केवल 3 दिन के भीतर पोर्टल पर आपको ऑनलाइन प्रतिक्रिया लिंक के माध्यम से जमा करनी होगी, जमा कर सकते हो। मतलब 3 से 4 दिन बाद आपके आंसर की आ जाएगी। यहाँ पर मानो तो भाई 28 को यदि आपकी एग्जाम है ना, तो 31 तारीख तक आपके आंसर की 100% आ जाएगी। BSF की वेबसाइट पर कैसे डाउनलोड करनी है मैं बता दूंगा, ठीक है। सभी परीक्षाएं लेस वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश में होंगे, ठीक है। परीक्षा खंड टेस्ट परीक्षा के लिए उम्मीदवार सलाह दी जाती है कि वो HGT BSF की आपका डेमो मॉक टेस्ट दे लें। वो मैंने दे दिया, गलत आपको नहीं काटा जाएगा। आप चलो डेमो मॉक टेस्ट भी आपको देखकर दिखा देते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे कैंडिडेट गलती करोगे तो डेमो मॉक टेस्ट कैसे देंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें सर्च करना BSF, जैसे हम BSF की रिक्रूटमेंट वेबसाइट बताते हैं, रिक्रूटमेंट हमें सर्च करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट यहाँ पर सर्च करोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दे रखा है मॉक टेस्ट CBT शेड्यूल 2028, जो ऊपर का लिंक है उसको आप दे रखा है। इससे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नोटिस जो PDF के रूप में डाउनलोड होगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट लिंक आपको देना है। जैसे आप मॉक टेस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जो लॉगिन आईडी वो आ जाएगी, यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो पूरा का पूरा आपको इसी तरीके से आएगा, मॉक टेस्ट लिंक होगा। ये देखो सही तरीके से आपका काम नहीं कर रहा है, फिर बता दूँ आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट एक बार फिर देखकर देख लेते हैं मॉक टेस्ट एग्जाम नेम। ये देखो सही तरीके से आपका काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, ये चीज़ आपको पता है दोस्तों। बता दूँ इस तरीके से आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करते आपसे यहाँ पर भाषा मांगी जाएगी, भाषा आपको चूज करनी है। भाषा चूज करने के बाद में ये देखो एक बार मैं डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट करके देख लेता हूँ, ये डेस्कटॉप मोड ऑलरेडी है, मतलब सही तरीके से वर्जन काम नहीं कर रहा है, फिर भी आप इस तरीके से दे सकते हो दोस्तों। बाकी देखो आपको भाई आपको हर एक अपडेट हर एक जानकारी देता रहा है, आगे भी आपसे देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल के साथ बने रहिए और विश्वास बना रखिए, आपका भाई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए देता रहेगा। आपको अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल रिविजन आपको करना है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।